हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क सेटिंग रीसेट कैसे किया जाता है और नेटवर्क सेटिंग रीसेट को करने से आपके मोबाइल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर आपको आपने रीसेट कर दिया मोबाइल, यहां पर देख सकते हैं नीचे ऑप्शन है नेटवर्क सेटिंग रीसेट, इसको अगर आपने रीसेट कर दिया तो आपके मोबाइल में क्या क्या होगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है। आपके मोबाइल के सेटिंग पर जाने के बाद नीचे एक ऑप्शन होता है कनेक्शन एंड शेयरिंग का, जो कि नेटवर्क कनेक्शन होता है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर रिसेट वाईफाई मोबाइल्स एंड नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप ये जो पेज है उसको अगर आप ओपन नहीं कर सकते तो आप यहां पर सर्च में भी कर सकते हैं। सर्च यहां पर रिसेट सर्च करने पर भी आपको यहां पर देख सकते हैं रिसेट नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर सकते हैं। तो यहां से इससे क्या होता है, अगर हम रिसेट नेटवर्क सेटिंग को क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा चलिए जानते हैं। यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस विल रिसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग्स एंड इंक्लूडिंग। तो अगर आपने अपने रिसेट नेटवर्क सेटिंग को कर दिया क्लिक तो उससे क्या होगा, आपका जो वाईफाई एंड मोबाइल डाटा एंड यहाँ पर ब्लूटूथ जो वाईफाई में जितने भी आपने कनेक्शन किए होंगे या फिर वाईफाई से कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होगा वो सारा रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पर मोबाइल डाटा के जो भी आपने सेटिंग अगर चेंज किए होंगे या फिर कोई भी VPN वगैरह आपने कुछ कनेक्ट किया होगा या फिर चेंज किया होगा वो सारे रिसेट हो जाता है। और आपने ब्लूटूथ में भी जितने भी आपने डिवाइस कनेक्ट किए होंगे पेयर किए होंगे वो सारे जो है डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, यानी जैसे आपके मोबाइल में पहले से होता है उसी तरीके से आपका जो मोबाइल रिसेट हो जाता है। सिर्फ आपका जो नेटवर्क है ये ब्लूटूथ वाईफाई एंड मोबाइल का जो नेटवर्क है वही सिर्फ रिसेट होता है, आपका मोबाइल जो है उसको रिसेट करने के लिए अलग सेटिंग होता है। तो उसको इसको रिसेट करने के लिए यहाँ पर मेरा जो नाम लिखा हुआ है ये एयरटेल सिम का सिम है और यहाँ पर जो Jio 4G का सिम है। तो आपको जिस सिम को रिसेट करना है, अगर आपको एयरटेल में प्रॉब्लम है तो आपको एयरटेल सिम को रिसेट करना है, अगर आपको जियो में प्रॉब्लम है तो जियो में रिसेट करना है। आप दोनों को भी रिसेट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आपको ऐसे ही नेटवर्क सेटिंग को आप रिसेट कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इससे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।